माइसेल्फ बरहान महीदीन, सलाम गुलाम महीदीन फ्रॉम फैसल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है द नॉर्दर्न प्लेन्स। ये दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का। इनको नॉर्दर्न प्लेन्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इंडिया के नॉर्थ साइड में लाई करते हैं, इसलिए इनको नॉर्दर्न प्लेन्स कहा जाता है। इनकी पहले हम इनकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। हमने हिमालयाज में पढ़ा था, जब हम हिमालयाज पढ़ रहे थे हमने पढ़ा कि जब यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में टकराए तो उनकी वजह से हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी। लेकिन जब हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई तो उस हिमालयाज की फॉर्मेशन के बाद उन्होंने कुछ अपने साथ कुछ शैलो डिप्रेशन अपने साथ बनाए, फिर उन शैलो डिप्रेशन में हिमालयाज की कुछ रिवर सिस्टम ने कुछ सेडिमेंट जमा किए, तो फिर उन सेडिमेंट के जमा होने के बाद उन्होंने वहां पर नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई। वो जो वो रिवर सिस्टम्स है वो है गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। वो अपने साथ एलोवियम को लाते थे, एलोवियम डिपॉजिशन वो करते थे उन डिप्रेशंस में। उस एलोवियम डिपॉजिशन की विड्थ तकरीबन 1000 टू 2000 मीटर है, मतलब वो उतनी विड्थ तक उसमें भरे हुए हैं। ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इनकी जो टोटल लेंथ है वो है 2400 किलोमीटर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ये टोटल एरिया 7 लाख किलोमीटर कवर करते हैं। टोटल एरिया मतलब एक टोटल मतलब जितना भी एरिया ये कवर करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये 7 लाख किलोमीटर है। और इनकी जो विड्थ है वो वेरी करती है, वो 320 किलोमीटर से यहाँ वेस्ट में आप देख सकते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक 320 किलोमीटर है। लेकिन जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वो खाली 240 किलोमीटर है। वो यहाँ से नैरो है लेकिन वेस्ट से काफी ज्यादा वाइड है। इसकी जो तीन रिवर सिस्टम्स है गंगा इंडस एंड ब्रह्मपुत्र, उन्होंने अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ इन प्लेन्स की फॉर्मेशन की थी। जैसे कि यहाँ पर मानसरोवर में एक रिवर निकलता है इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज जैसे कि जहलिम, चनाब, रावी, सतलुज और बीस, वो बनाते हैं इन पंजाब प्लेन्स को। इनको पंजाब प्लेन्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इंडस है ये अपनी 5 ट्रिब्यूटरीज के साथ इनको बनाता है और इसीलिए इसका नाम पड़ा है पंजाब प्लेन्स। क्योंकि 5 मतलब 5 और आब मीन्स हो वाटर, इसीलिए इनका नाम पड़ा है पंजाब प्लेन्स मतलब 5 वाटर, क्योंकि यहाँ पर 5 दरिया आपस में मिलकर इनको बनाती है पंजाब प्लेन्स को। इसके बाद आते हैं गंगा जो है ये निकलता है गंगोत्री ग्लेशियर से जो हिमालयाज में पाया जाता है। ये जो प्लेन है ये यहाँ घाघरा टू तीस्ता लाई करता है, यहाँ पर है गंगा प्लेन्स घाघरा टू तीस्ता लाई करता है। ये गंगा और इसके ट्रिब्यूटरीज मिलके बनाते हैं। इसके बाद आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, वो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स बनाता है जो यहाँ पर है। इनको आसाम प्लेन्स भी कहा जाता है। इनको आसाम प्लेन्स इसलिए कहा जाता है यहाँ पर इनको आसाम प्लेन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका जो ज्यादातर हिस्सा है वो आसाम में पाया जाता है, इसीलिए इनको आसाम प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है इन नॉर्दर्न प्लेन्स के और भी डिविजन्स किए गए हैं, जैसे कि बाबर, तराई और फिर एलोवियल प्लेन्स। फिर उन एलोवियल प्लेन्स के और 2 सब डिविजन्स किए गए हैं, एक है खादर और दूसरा है बंगार। पहले मैं इसका एक यहां पर डायग्राम बनाऊंगा जिससे आपको समझ आएगा।
बाबर हम किसको कहते हैं? बाबर का ये एक ऐसा, यहाँ पर तीन कंटिन्यूअस बेल्ट आते हैं ऐसे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये रन करते हैं तीन पैरेलल बेल्ट्स। पहले जो है वो बाबर है, इसमें बड़े बड़े पत्थर आते हैं बाबर में, जब वो पानी हिमालय से आता है वो बहुत ज्यादा तेजी से आता है, इसीलिए वो अपने साथ कुछ बड़े बड़े पत्थर ले आता है, लेकिन वो पत्थर वो ज्यादा दूर तक नहीं ले जाता है, इसीलिए वो यहाँ पर एक बेल्ट क्रिएट करते हैं, तकरीबन वो 8-10 किलोमीटर तक होता है, 8-16 किलोमीटर उसकी विड्थ होती है, वो खाली उसमें पत्थर होती है और कुछ ही नहीं, इसलिए जब भी वहां से पानी गुजरता है तो हमको लगता है कि वो रिवर सारे डिसअपीयर हो गए हैं, लेकिन उन पत्थरों के बीच में इतनी ज्यादा गैप होती है कि जब पानी यहाँ से आता है तो वो नीचे से चला जाता है और ऊपर हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, हमको लगता है कि वो पानी गया तो गया कहाँ, फिर जब वो पानी है वो इमर्ज होता है फिर इस तराई रीजन में। ये भी एक बेल्ट है, तकरीबन इसकी विड्थ है 10-20 किलोमीटर। लेकिन ये जो यहाँ पर जो ये रिवर्स है वो कुछ सेडिमेंट्स भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा फर्टाइल होता है, लेकिन ये तराई रीजन काफी फर्टाइल होता है, लेकिन ये दलदली इलाका होता है, इसमें उतनी ज्यादा मतलब वो इसमें क्ले होती है, क्ले ज्यादातर पाई जाती है, क्योंकि वो रिवर्स कुछ सेडिमेंट्स वहां पर छोड़ देते हैं, इसीलिए इसकी जो वो मिट्टी है वो फर्टाइल होती है, जिसकी वजह से वहां पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी पाई जाती है, जैसे कि काजीरंगा है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पर पाई जाती है, और वहां पर कुछ वाइल्ड लाइफ भी पाई जाती है, और वहां पर ग्रास भी है और एडोकेट वाटर सप्लाई भी है, क्लाइमेट भी है अच्छा, इसीलिए वहां पर वाइल्ड लाइफ भी है, और वहां पर पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद कुछ लोगों को भी बसाया गया था वहां पर, क्योंकि वहां पर हर कोई फैसलिटी थी। इसके बाद आते हैं फिर एलोवियल प्लेन्स पर, इन सबको बोलते हैं एलोवियल प्लेन्स, इनके फिर दो सब डिविजन किए गए हैं, एक है खादर और दूसरा है बंगर। बंगर ओल्ड एलोवियम को कहा जाता है, जहां पर ओल्ड एलोवियम डिपॉजिशन हो गई होगी वहां पर अब नहीं होती है, जैसे ही पानी यहाँ से आता था वो यहाँ पर एलोवियम छोड़ देता था और पानी यहाँ में चला जाता, लेकिन ये बहुत पहले होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होता, अब पानी यहाँ से गुजरता है वो यहाँ पर एलोवियम छोड़ देता है, अब यहाँ पर जब भी फ्लड्स आती है वो खादर में ही वो एलोवियम डिपॉजिट कर देते हैं, अब इसमें बंगर में अब एलोवियम डिपॉजिशन नहीं होती है वो बहुत पहले होती थी, इसीलिए ये ज्यादा फर्टाइल अब नहीं है, इसमें अब उतनी ज्यादा जरखेजी नहीं है एज कम्पेयर टू खादर। बस यही था आज का टॉपिक।